एक अक्टूबर की रात को ईरान ने इसराइल पर 7 महीने में दूसरी बार हमला कर दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा दी। ईरान की आग उगलती बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायली एयर स्पेस में घुसपैठ करते देखा गया। ईरानी हमले से पूरे इसराइल में अलर्ट सायरन की गूंज और मिसाइलों की आवाज सुनाई दी गई, जहां इसराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। वहीं ईरान के इसराइल में जबरदस्त नुकसान का दावा ठोकते हुए अपने हमले को सफल बताया। इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों से कई इजरायली सैन्य और सुरक्षा सुविधाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमले के जांचे गए फुटेज से पता चला है कि करीब 2 दर्जन मिसाइलों ने कम से कम 3 प्रतिष्ठानों पर असर डाला था। 20 मिसाइलों ने दक्षिणी नेगेव रेगिस्तान में नेवाते में एयरबेस पर हमला किया। 3 ने कब्जे वाले इलाके के मध्य भाग में तेल नोफ बेस पर हमला किया। कम से कम 2 मिसाइलें तेल अवीव में मुसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय के पास भी गिरी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी हमले के बाद वीडियो की पड़ताल से पता लगता है कि ये इंटरसेप्टेड मिसाइलों का मलबा नहीं है, बल्कि इजरायली ठिकानों पर सीधा हमला करने आई ईरानी मिसाइलों का असर है। ऐसे में अमेरिकी न्यूज एजेंसी के सनसनीखेज खुलासे से इजरायली दावों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जहां इसराइल अब तक ईरानी मिसाइलों के हमले को बेअसर बताता आया, वहीं अमेरिकी अखबार ने इजरायली सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का खुलासा कर सबको चौंका दिया। वहीं इसराइल को बैकफुट पर ढकेल दिया। खास बात है कि इसराइल ही नहीं, अमेरिका ने भी ईरानी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इसराइल में कम से कम नुकसान पहुंचा है। साथ ही इसराइली सेना ने दावा किया था कि उसके सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से चालू हैं। बता दें कि यह अमेरिकी रिपोर्ट ईरान की ओर से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 के तहत इसराइली ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलों के दागे जाने के बाद आई है। ईरान ने यह हमला हमास प्रमुख इस्माइल हानिये हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला के मारे जाने के जवाब में किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉप्स की माने तो 90% मिसाइलों ने सटीक इजरायली टारगेट को भेदने में सफलता हासिल की। साथ ही ईरानी मिसाइलें इजरायल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने IRGC की क्षमताओं को ट्रू प्रॉमिस के दौरान प्रदर्शित की गई क्षमताओं में से कई गुना अधिक बताया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकेरी ने कहा कि हमले में इसराइल का हेडजरिम बेस भी शिकार बना, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की हत्या के लिए किया गया था। साथ ही रणनीतिक रडार टैंकों और कार्मिक वाहकों को रखने वालों केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। साथ ही गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार में भाग लेने वाले बलों को कंट्रोल करने वाले केंद्र को भी चपेट में लिया गया। ईरान फिर से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।